सेवन चैप्टर आपका है जिसका नाम है ट्रायंगल। सेवन चैप्टर का एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं 7.4 एक्सरसाइज, और 7.4 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी थ्योरम के कुछ कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है। एक कंसेप्ट है, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। इसका ये मतलब होता है कि यदि दो साइड किसी ट्रायंगल की अनइक्वल होती है तो जो एंगल होता है किसके अपोजिट साइड के लॉन्गर होगा और लार्ज होगा, एक ग्रेटर होता है। एक और है इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा यूज होगी वो है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दो साइड का जो सम होगा वो तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये दो थ्योरम्स हैं, इन थ्योरम के ऊपर ही हमारा क्वेश्चन है। हमारे क्वेश्चन में दे रखा शो दैट द राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है उसके अंदर जो हाइपरटेन्यूस होती है वो सबसे बड़ी साइड होगी, लॉन्गर साइड होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रूव करने के लिए अपन एक मान लिया, एक ट्राइंगल ले लिया, एक ट्राइंगल जिसका नाम ए बी सी है। इस ए बी सी ट्राइंगल के अंदर एंगल बी कितने डिग्री का ले लिया, 90 डिग्री का ये लिया अपन ने। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो हमने लिख लिया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री हो जाता है, और यू नो एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर 90 डिग्री लिख दिया। 90 जब इधर है तो बैक साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 हो गया। 180 माइनस 90 करेंगे कितना हो जाएगा, 90। लेकिन यू नो 90 कितना था, बी था, तो हमने जहाँ 90 था उसको रिप्लेस कर दिया एंगल बी से। अब हम जानते हैं कि बी एंगल क्या है, बड़ा है किससे, ए एंगल से, और बी एंगल बड़ा है किससे, सी एंगल से, क्योंकि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री होता है। तो 90 है मतलब सबसे बड़ा एंगल हो गया। और हम जानते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए बी इज लॉन्गर देन द अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए, मतलब जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड उससे बड़ी होती है, जो एंगल छोटा है उसके सामने वाली साइड छोटी होती है। तो ये हमको आगे समझ में, तो ऑब्वियसली बात है कि एसी साइड जो होगी वो बड़ी होगी किससे, बीसी से, और एसी साइड जो है वो बड़ी होगी किससे, एबी से, एबी से भी बड़ी होगी और एसी से भी बड़ी होगी। हो गई, तो इससे क्या देखा कि जो हाइपरटेन्यूस है, मतलब हाइपरटेन्यूस होती है, ये क्या होगी, इन दोनों साइड से क्या हो गई, बड़ी हो गई। ये हमको प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा है उसमें एक ट्राइंगल ए बी सी है, उस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ए बी साइड को आगे तक एक्सटेंड किया, बढ़ाया हमने, और कहाँ तक लेके गए उसको, बी तक। इसी तरह से ए सी साइड को आगे तक बढ़ाकर क्यू तक लेके गए, और आपके क्वेश्चन में दे दिया कि आपको ये बताना है। और एक चीज़ वो देंगे कि एंगल बी जो है कौन सा, पी बी सी ये वाला एंगल और क्यू सी बी ये वाला एंगल इसकी कंपेरेटिव छोटा है और ये बड़ा है। जिसकी तरफ मुंह घटा होता है मतलब वो बड़ा, जिसकी तरफ पूंछ होती है वो छोटा होता है। ठीक है, तो आपके पास इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये वाला एंगल इसकी कंपैरेटिव छोटा है, ये ना बी एंग बी पी बी सी ये वाला एंगल इसकी कंपैरेटिव छोटा है। अब हमको बताना है कि जो ए सी साइड है वो भी बड़ी होगी किसकी कंपैरेटिव, इससे, क्योंकि ये एंगल बड़ा इसके सामने वाली साइड बड़ी। तो एक लीनियर पेयर देखते हैं, लीनियर पेयर मतलब समझते हैं, इसी तरह से लीनियर पेयर किस हो जाएगा, इस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी क्यू और ये हो गया बी, ए सी बी और क्यू सी बी दोनों लिए नहीं पेयर हो गए, कितना हो गया 180। लेकिन हमारे पास दे रखा है कि पी सी बी किससे बड़ा है, छोटा है, क्यू सी कहाँ से है, गिवन, यदि गिवन है तो देखो यहाँ पी सी बी को रखेंगे तो ये चीज़ कहाँ जाएगी, उस साइड कायम हो जाएगी माइनस में, तो इसको लिख दिया अपन 180 माइनस ए बी सी। इसी तरह से क्यू सी बी यहाँ है, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए सी बी, 180 से 180 बचा कौन, माइनस ए बी सी और माइनस ए सी। अब ये देखो यहाँ साइन ऐसा था, जैसे सिंबल हटाया तो साइन ऐसा हो गया, क्यों हो गया बताइए, माइनस दो बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है किससे, माइनस पांच से।
लेकिन जैसे माइनस हटाएंगे तो दो छोटा हो जाएगा कितने, पांच से। जब भी कोई भी जिसके साइन चेंज होते हैं तो उसके जो चेंज साइन चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव वाली चीज को पॉजिटिव, पॉजिटिव से करेंगे तो ये चीज हो गई। और हम जानते हैं जो साइड बड़ी होती है, जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है, और जो एंगल छोटा होता है उसके सामने वाली साइड छोटी होती है। तो हमने देखा ठीक है, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो द साइड अपोजिट टू द एबीसी इज ग्रेटर देन द साइड अपोजिट दिस एंगल। मतलब ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड है, बी एंगल के सामने वाली साइड एसी बड़ी होगी, इस एंगल जो छोटा है इसके सामने वाली साइड एबी से ओके तो छोटी होगी। तो कौन बड़ी होगी, एसी बड़ी हो गई और एबी छोटी हो गई। लॉजिक समझ में आया, ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है कि दो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल एक पिक्चर दे रखी है। उस पिक्चर के अंदर आपके पास दे रखा है कि बी एंगल जो है वो छोटा है किससे, ए से ओके, और सी एंगल जो है वो छोटा है किससे, डी से। तो आपको ये बताना है कि जो ए डी है वो जो होगी वो भी छोटी होगी किससे, बी सी से। प्रूव करने का तरीका क्या है कि यदि एंगल ए बड़ा है किससे, एंगल सी से, जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होती है, तो ए के सामने वाली साइड कौन है, ओ बी, वो बड़ी होगी किससे, ओ ए से ठीक है। अब यदि मैं एंगल सी डी एंगल बढ़ाए किससे, सी से, तो डी के सामने वाली साइड कौन, ओ सी, वो भी बड़ी होगी किससे, ओ बी से। बहुत कंसेप्ट वही है, जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है ठीक है। तो इन दोनों सबको अपने प्लस कर दो, ओ बी प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ डी, ओ बी प्लस ओ सी, दोनों मिला के ओ बी, और ओ ए ओ प्लस ओ डी मिला के ए डी। अरे इतना है, इतना है, ओ ए प्लस ओ सी कितना हो गया, बी सी, कैसे हुआ, ऐसे हुआ ना बेटा, ये बी ये ओ ये सी, ओ बी प्लस ओ सी कितना हो गया, इसी तरह से ए ओ और डी तो कितना हो जाएगा, ए डी, तो बी सी साइड बड़ी हो जाएगी किससे, ए डी से। यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए, देखिए कि ये जो क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर एक डायग्राम दे रखा था उसने कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है। क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है। अब इस क्वाड्रिलेटर के अंदर जो ए बी साइड है वो छोटी है ओके, और सी डी साइड जो बड़ी है दिख रही है, डायग्राम जब दिख रही है यूँ भी दिख रही है। तो आपको ये बताना है कि एंगल ए जो होगा वो बड़ा होगा किससे, एंगल सी से, और एंगल बी जो होगा वो बड़ा होगा किससे, एंगल डी से। फंडा भी यूज़ करेंगे। हमने क्या करा, पहले तो एक ज्वाइन कर लिया ए से सी को, तो यहाँ देखा एक ट्राइंगल ए बन गया। तो ट्राइंगल ए बी सी की हम बात करें, ए बी सी के अंदर देखो बी सी साइड बड़ी है किसकी तुलना में, ए बी की कंपेरेटिव। ये दे रखा है, यहाँ दे रखा है ए बी साइड क्या है, लॉन्गर है ओके। तो यहाँ कुछ गड़बड़ तो हुआ क्या, देखिए एक मिनट, आपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए बी साइड क्या स्मॉल है किससे, बी सी से। तो जो साइड बड़ी होती है उसके सामने का एंगल बड़ा होता है, मतलब बी सी के सामने का एंगल कौन सा हो गया, एंगल ए, वो बड़ा हो गया किससे, इस वाले एंगल से। ये हम जानते हैं, रीजन लिख दिया एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, ये ट्राइंगल ही हो गया। अब ऊपर वाला ट्राइंगल ले लो, कौन सा ट्राइंगल लिया अपन ने, ए सी डी, इसमें भी अपने पास दे रखा कि जो सी डी साइड है वो बड़ी है किससे, तो ये साइड बड़ी तो इसके सामने का एंगल कौन सा, सी डी, सी डी के सामने का एंगल ए, ए बड़ा हो जाएगा किससे, ई सी से। अब इसको और इसको दोनों को क्या कर दें, प्लस कर दो, एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी, कहाँ बात करी हमने, बी ए सी सी ए डी, दोनों मिलके कौन से एंगल हो गए, कौन से हो जाएंगे बताओ, ये टोटल ओके, और सी डी सी ए वाले से ये वाला एंगल, ये एंगल बराबर हो गए। अब जैसे इसको प्रूव किया ऐसा कैसा है, बाय द वे इस लाइन को हम यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ भी दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल इधर बन जाएगा, एक इस इधर बन जाएगा। सिमिलरली हम ये भी बता सकते हैं कि एंगल बी कैसे बड़ा होगा, एंगल सी से ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर एक ट्राइंगल दे दिया है आपके पास, जिस ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर एस, और साथ में इस पी क्यू आर एस में जो पी क्यू साइड्स है, कौन सी, पी आर साइड, कौन सी, पी आर साइड बड़ी है किससे, पी क्यू से। यदि ये साइड बड़ी तो इसका सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। साथ में
पी एस जो है एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल पी का, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, मतलब एंगल क्यू पी एस और आर पी एस दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, कैसे, एंगल बाइसेक्टर से। एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है कि किसी एंगल का जो वो है 90 डिग्री का है, वो यदि उसका एंगल बाइसेक्टर निकाल दिया तो 45 आधा हो जाता है। और हमको बताना है कि पी एस आर कौन सा, पी एस आर ये बड़ा है किसे, पी एस क्यू से, सॉरी मैंने गलत बोला, पी एस आर बड़ा है, ये बड़ा होगा किसे, पी एस क्यू से। तो हमने एक ट्राइंगल लिया कौन सा, पी क्यू आर, पी क्यू आर के अंदर हमारे पास दे रखा है क्या, दे रखा है कि एंगल क्यू पी एस इक्वल किसके, आर पी एस से दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर से। और ये भी दे रखा है कि पी आर साइड बड़ी किससे, पी क्यू से, यदि पी आर साइड बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, कौन सा, पी क्यू एस, ये वाला एंगल बड़ा होगा किससे, पी आर एस, हो गया, ये हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर लो, किसको, इसको, बहुत सरल तरीका है, इन दोनों को प्लस कर लो, पी क्यू एस प्लस क्यू आर क्यू पी एस, यहाँ देखो पी आर एस प्लस आर पी एस, लेकिन देखो यहाँ पी एस आर ये वाला एंगल है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला एंगल किनके, इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर, किसके, पी क्यू एस क्यू पी एस दोनों के। अब इसी तरह से पी एस और क्यू ये वाला एंगल वो एक्सटीरियर है किसका, इन दोनों एंगल के सम के, पी आर एस प्लस ए। तो हम देखते हैं कि इतने इतने की जगह क्या लिख देंगे, पी एस आर, और इतने इतने की जगह पर क्या लिख देंगे, पी एस क्यू। हमको यही प्रूव करना था तो ये हमारा प्रूव हो जाता। ओके, बाकी एक क्वेश्चन बचता है 6 जो आपके लिए होमवर्क है, करके देखिएगा, नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ताकि हम उसको सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।